मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ वो है फिल्टर। आप सभी लोगों ने फिल्टर जो है यूज भी किया होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक्सेल में फिल्टर का काफी यूज किया होगा। तो जब हम फिल्टर यूज करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो हम ये इस वीडियो में ये जानेंगे कि वो ऐसी कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ती है, साथ में उन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम फिल्टर का यूज कर लेते हैं। फिल्टर का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल आपने प्रेस किया तो आपके सामने जो है यहाँ पे हर एक एंट्री में जो फिल्टर आ चुका है। आप चाहें फिल्टर का यूज जो है डाटा मेन्यू में जाकर आप यहाँ से भी फिल्टर का यूज कर सकते हो सेलेक्ट करके। तो इसका जो शॉर्टकट की रहता है वो कंट्रोल शिफ्ट एल रहता है, लेकिन ये फिल्टर तभी काम करेगा जब आपने डाटा को सिलेक्ट किया होगा। अब देखते हैं कि फिल्टर में जो प्रॉब्लम है, दो जो पहली जो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है वो कौन सी होती है और उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने जो है एक डाटा है, इस डाटा में जो है अलग अलग कंपनीज का जो हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है और उनकी सेल रखी हुई है। अब मान लीजिए कि इस डाटा में जो है हमने क्या करना है कि जो टोटल SRC कंप्यूटर है, टोटल हमने उसकी ही सेल यहाँ पे देखनी है और साथ में उसका ही हमने टोटल यहाँ पे देखना है कि टोटल SRC की जो सेल है वो कितनी है। और ये जो डाटा लिस्ट है यहाँ यहाँ तक मैंने टोटल 8 एंट्रीज ही डाली है, लेकिन जब आप कहीं पे काम करोगे तो डाटा लिस्ट जो है वो लंबी भी हो सकती है। तो उदाहरण के लिए टोटल मैंने जो है 8 एंट्रीज ही डाली है ताकि आपको आसानी से जो है फिल्टर का समझ में आ जाए। तो अब जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मुझे टोटल जो है SRC का डाटा ही चाहिए, उसका सेल ही चाहिए। तो मैं कहना क्या करना है, इसको सबसे पहले यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे SRC के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए कि ओके जैसे मैंने किया तो ओके करने के बाद यहाँ पे इसने क्या किया कि टोटल SRC कंप्यूटर की इसने सेल बताई, लेकिन सेल के साथ जो इसका यहाँ पे टोटल भी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं टोटल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैं टोटल के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे टोटल अमाउंट भी डिस्प्ले कर दिया, लेकिन ये जो टोटल अमाउंट है ये बिल्कुल गलत है। ये जो टोटल अमाउंट है जो इस डाटा लिस्ट में जितनी भी कंपनीज है उनका है, लेकिन हमने जो है यहाँ पे चूज की है टोटल SRC कंप्यूटर, तो हमें जो था टोटल जो था सिर्फ इसका ही चाहिए था। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हो आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आपका जो स्टेटस बार है, अब आप देख रहे हो कि स्टेटस बार में इसका जो टोटल है वो कितना है, 13,500 है। तो हमें ये टोटल जो अमाउंट यहाँ पे आना आना चाहिए था। अब देखिए कि इस प्रॉब्लम का हम, पहली प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्या किया, डाटा को सिलेक्ट ऑल किया और ओके कर दिया, और आपने क्या किया फिल्टर को रिमूव कर दिया। तो फिल्टर को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है। ओके, अब हमने यहाँ पे यूज किया है सम फार्मूला, लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो है सब टोटल, जी हाँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने लिखा सब टोटल। और सब टोटल का हमने जैसे ही यूज किया तो आपके सामने एक फंक्शन लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है जिसमें जो है जितने भी आप एक्सेल में फंक्शन यूज करते हो वो सभी यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाते हैं। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे सब टोटल के अंदर जो वो सम फंक्शन का यूज करना है। तो इसकी जो हर एक फंक्शन से पहले उसका एक नाम दिया है, इसका एक नंबर में इंडेक्स दिया है। तो सम फंक्शन के लिए यहाँ पे जो नंबर है वो है 9। आप चाहें तो इसको यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं 2 टाइम क्लिक करने के ऊपर। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, इस पूरी की पूरी जो है उसके बाद क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने कॉमास का यूज किया और इस पूरे के पूरे रेफरेंस को आपने क्या किया सिलेक्ट किया। ओके,
और आपने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। ओके, अब इससे भी जो है टोटल जो सम में टोटल आ रहा था, सब टोटल में भी सेम आ रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जब हम फिल्टर का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा कि जिस कंपनी का आप डाटा फिल्टर करके लोगे उसी का ही टोटल जो है वो डिस्प्ले करेगा, पूरे का पूरा टोटल जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। इसके लिए आपने फिर क्या किया, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल और फिल्टर आपका ऑन हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे दोबारा फिर से आपने क्या किया, SRC कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, पहले तो इसको अनसेलेक्ट किया सभी एंट्रीज को, और यहाँ पे आपने क्या किया, SRC कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया और इसको क्या कर दिया आपने, ओके कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो चुकी है। अब इसने जो ये टोटल अमाउंट हमें डिस्प्ले किया, ये टोटल जो है SRC कंप्यूटर का ही बताया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करिए और स्टेटस बार में यहाँ पे भी आपको ये डिस्प्ले कर देगा कि ये जो टोटल अमाउंट इसने रिजल्ट दिया, इसने टोटल किसका बताया, SRC कंप्यूटर का। चलिए कोई और कंपनी ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं बबलू कंप्यूटर, वो बबलू मोबाइल, इसको हमने अनसेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो इसने कौन सा अमाउंट डिस्प्ले किया, टोटल बबलू मोबाइल का ही हमें अमाउंट कैलकुलेट करके हमारे सामने बताया। तो सब टोटल और सम के बीच में फिल्टर का ये यूज होता है, ये दोनों के बीच में अंतर है। दूसरा, अब दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो सीरियल नंबर है वो डिस्टर्ब हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे हमें नंबरिंग जो है वो 1, 2, 3 में चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं फिर दोबारा SRC कंप्यूटर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे नंबरिंग जो है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग जो है वो क्रम बाय क्रम आए, जैसे 1 आए 2 आए 3 आए। अब इसका हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि फिल्टर को आपने फिर इन सभी को एंट्रीज को सिलेक्ट करना है और ओके किया, और फिर दोबारा से आपने क्या किया, फिल्टर को ऑफ किया कंट्रोल शिफ्ट एल के जरिए। आप फिल्टर को यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं और यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। अब चलिए चलते हैं कि सीरियल नंबर को कैसे हम ठीक करते हैं। तो सबसे पहले ये जो सीरियल नंबर आपने टाइप किए, इसको क्या करना है, आपने डिलीट कर देना है। ओके, डिलीट करने के बाद आपने जो फंक्शन यूज करना है, यहाँ पे भी सेम फंक्शन पे ही यूज करना है, सब टोटल। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने यूज करना है कॉन्टा। ओके, आपने क्या किया, यहाँ पे कॉन्टा के लिए जो नंबर दिया है वो 3 दिया हुआ है, आप यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो या इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, कॉमा का यूज करना है। कॉमा का यूज करने के बाद आपने क्या करना है कि सब टोटल के सामने जो आपके सामने कॉलम है, उन दोनों कॉलम में से जो फिल कॉलम है, उन दोनों कॉलम में से किसी एक के ऊपर ऊपर आपने क्लिक कर देना है। बस आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि ब्लैंक एरिया के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना है, टोटल इन दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम की सेल के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बबलू मोबाइल, ओके, और यहाँ पे आ गया B2, और इसके साथ में यूज करता हूँ रेंज ऑपरेटर। और जैसे मैं रेंज ऑपरेटर यूज करूंगा तो यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे B2। ओके ओके, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो B2 है पहले वाला, यहाँ पे क्लिक करना है, और आपने क्या करना है, क्लिक करने के बाद आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने F4 का यूज करना है। जी हाँ, F4 का यूज करने से क्या होता है कि आपका ये जो फार्मूला है ये जो है लॉक हो चुका है। फिर आपने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। ओके, एंटर करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे सीरियल नंबर को फिर ड्रैग कर दिया। ओके, अब ड्रैग कर दिया। अब दोबारा फिर से हम फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्टर का यूज करने के लिए फिर आपने कंट्रोल शिफ्ट एल, ओके, फिल्टर दोबारा से ऑन हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लेता हूँ SRC कंप्यूटर, ओके, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देखोगे कि अब जो सीरियल नंबर है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये जो है 1, 2, 3 के हिसाब से आपके सामने क्रम बाय क्रम जो है आपके सामने डिस्प्ले हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये था फिल्टर। तो फिल्टर में इस तरह की हमारे सामने प्रॉब्लम जो है वो आती है, और इसका समाधान कैसे किया जाता है वो अभी आपको मैंने बता दिया। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, और
जो हमारा चैनल है साईंराम कंप्यूटर 555, उसको सब्सक्राइब करोगे ताकि आपको जो है मैं हर रोज कोई नया ना नया टॉपिक जो हो वो एक्सेल या कंप्यूटर आईटी के किसी और सब्जेक्ट में लेकर आता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।